हेलो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल और पोल्यूशन में ग्लोइंग स्किन मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे जो आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन मेंटेन रखने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। एक हेल्दी स्किन मेंटेन रखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। और हम एक चौथा स्टेप भी रेकमेंड करेंगे जो कि डे टाइम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है सन प्रोटेक्शन। जो प्रोडक्ट्स हम रेकमेंड कर रहे हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव है, खास करके ऑयली, एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए। और ये लिस्ट एक्सटेंसिव रिसर्च, रिव्यूज़ और एक्सपर्ट रिकमेंडेशन को कंसोलिडेट करके बनाया गया है। तो सबसे पहले स्टेप यानी क्लिंजिंग की बात करते हैं। जो फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं वो है क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश, हिमालय हर्बल्स प्यूरिफाइंग नेम फेस वॉश और डव सोप। अगर आपको इसके अलावा कोई और फेस वॉश यूज़ करना है तो याद रखिए वो लाइट वेट या माइल्ड हो, ऑयल फ्री या नॉन कमिटोजेनिक हो, और जितना हो सके केमिकल फ्री हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो। दूसरा स्टेप यानी टोनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अर्बन बोटानिक का बेजिल और नीम स्किन टोनर, गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर या फिर डाबर गुलाबरी। ये तीनों ही माइल्ड हैं, केमिकल फ्री हैं और एक्ने प्रोन स्किन के लिए इफ़ेक्टिव हैं। टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो हैं न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, मामा अर्थ उपटन ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र और सिप्ला का एक्सेला मॉइस्चराइज़र। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं। अगर इनसे डिफरेंट आप कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो याद रखिए वो नॉन कॉमिटोजेनिक हो, ऑयल फ्री हो, पैराबेन और केमिकल फ्री हो और जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड हो। याद रखिए मॉइस्चराइजेशन आपकी डेली स्किन के रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को मिस करते हैं तो आपकी स्किन एक्सेस ऑयल सीक्रीट करेगी, जिससे आपको एक्ने और स्कार्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हम डे टाइम के लिए आपको एक चौथा स्टेप रेकमेंड करेंगे यानी सन प्रोटेक्शन। कुछ सनस्क्रीन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है क्यूरेशियो का सनकोट सनस्क्रीन, यूवी डो का ब्रिंटन हेल्थ केयर इन बॉडी सनस्क्रीन और फोटो स्टेबल गोल्ड सनस्क्रीन। आपका सनस्क्रीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी SPF कम से कम 30 या उससे ऊपर होना चाहिए और जेल बेस्ड या ऑयल फ्री सनस्क्रीन होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, सबकी स्किन अलग होती है, इसीलिए अगर कोई प्रोडक्ट किसी एक को सूट करता है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी उतना ही इफेक्टिव हो। इसीलिए आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपको अपने स्किन कंडीशन को सूट करने वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। इसीलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए जो मिनिमल रिस्क वाले हों, और हमारी रेकमेंडेड लिस्ट इस बात को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। ध्यान रहे दोस्तों कि स्किन केयर के तीनों ही बेसिक स्टेप यानी क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपको दिन में सिर्फ 2 बार ही करने हैं। फिर भी अगर आपको बीच में फेस को साफ करने की ज़रूरत पड़े तो नॉर्मल पानी से धो सकते हैं या फिर वेट टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइजेशन के लिए एक माइल्ड बेबी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिवियर एक्ने हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के साथ साथ आप बहुत सारा पानी पीजिए और एक हेल्दी डाइट रखिए। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको एक हेल्दी स्किन मेंटेन रखने में मदद करेगा।